नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी जिला यमुनानगर ने जिला कार्यालय यमुनानगर में हरियाणा में बिजली की समस्या को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अम्बाला लोकसभा के अध्यक्ष आदर्श पाल और जिला अध्यक्ष गगनदीप ने साझा प्रेस वार्ता में हरियाणा में बिजली को लेकर बताया कि हरियाणा में बिजली की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। इन समस्याओं की तरफ 9 साल से ना तो भाजपा की खट्टर सरकार ने ध्यान दिया है और न ही इससे पहले कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने ध्यान दिया। खट्टर सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 9 साल से हरियाणा की जनता का नुकसान किया और हरियाणा की जनता को गलत रीडिंग लेकर हरियाणा की जनता पर बिजली के बिलों का बोझ डाल दिया। आज भी धान की सीजन में किसान 8 घंटे बिजली को तरस रहे हैं और कई कई घंटे बिजली के कट लगते हैं, जिससे किसान समय पर अपनी फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार को बने 9 साल हो गए हैं, लेकिन बिजली में जनता के लिए कोई सुधार नहीं किया, बल्कि इसका उल्टा किया गया। खट्टर सरकार ने हरियाणा में बिजली को लेकर नारा दिया, बत्ती गुल, बिल फुल और इसी पैमाने पर खट्टर सरकार काम कर रही है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का नारा है ना कट ना बिल, यानी 24 घंटे फ्री बिजली। हमारे नेता आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आगामी रविवार को 9 जुलाई को दोपहर को 2 बजे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकूला पहुँच रहे हैं और बिजली आंदोलन की हम आम आदमी पार्टी शुरुआत करेंगे हरियाणा में। हमारा जो पंजाब है, हमारा जो दिल्ली है, वहाँ पर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे 88% घरों में बिजली का बिल नहीं आता, 0 बिल आता है। लेकिन हरियाणा में बिजली तो आती ही नहीं और बिल इतने आते हैं कहने की हद नहीं। इंडस्ट्री हमारी जनरेटर के ऊपर निर्धारित हो चुकी है, घरों में हमें इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत महंगी पड़ती है हमें बिजली। तो अरविंद केजरीवाल जी उस दिन हमें गारंटी भी देके जाएंगे हरियाणा वासियों को, आपके यहाँ पहली गारंटी होगी हमारी और हम बिजली आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जो भी हमारा नेताजी हमें बोलेंगे हम बूथ लेवल तक जाके उसका प्रचार करेंगे, लोगों के बारे में नीति लेके जाएंगे। जैसे दिल्ली से बिजली आंदोलन की शुरुआत हुई, बिल्कुल आगामी रविवार को, परसों हमारे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और ये नींव रखेंगे हम आम आदमी पार्टी की सरकार लाने की हरियाणा में बिजली आंदोलन से। लगातार हमारी टाउन हॉल मीटिंग चलती रहेंगी, ये हमारी पहली गारंटी रहेगी, हमारी पहली टाउन हॉल मीटिंग होने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी ने हमें हरियाणा वासियों को प्रॉमिस किया है कि वो हर महीने में 2 बार हरियाणा में विजिट करेंगे और हम आगे की परसों आपके सामने होगा अरविंद जी, जो भी वो अपना वादा करेंगे होगा। वो गारंटी देते हैं, वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। राहुल गांधी की जो आज खाली सुबह में क्या जाना चाहेंगे? आज हमारा मेन मुद्दा बिजली के ऊपर ही था तो उसमें इसी मुद्दे पर मेन मुद्दे पे रहेंगे। वो आप हमारे सीनियर आदर्श पाल जी बैठे हैं, जानकारी होगी सर आप। हेलो हरियाणा के अंदर जो आज बिजली के पावर कट है और चारों तरफ तराई तराई है बिजली के बिलों के बारे में, किसान को कनेक्शन के बारे में, उसके बारे में ही आम आदमी पार्टी ने आज हर जिला स्तर के ऊपर पीसी रखी हुई है, आप जैसे पत्रकारों को बुलाया गया आज के अंदर अवगत कराने के लिए। और केजरीवाल साहब का एक नारा है ना कट और ना बिल, यानी बिजली फ्री, जो कि दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर हमने करके दिखाया, उसी के मुतल्लिक आज ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे हुड्डा साहब की सरकार थी, बिजली के लिए जो संसाधन जुटाने चाहिए थे वो नहीं जुटाए गए, आज हमें दूसरे राज्यों से बिजली लेनी पड़ती है, प्राइवेट हाथों से बिजली लेनी पड़ती है जिसकी कीमत यहाँ के उपभोक्ता को चुकानी पड़ती है। उसी के दौरान खट्टर साहब ने भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि यहाँ बिजली हमारे पास निर्बाध मिलती रहे, और इन्होंने तो एक तुगलकी फरमान ये भी जारी कर दिया कि जो यहाँ आपका थर्मल लगा हुआ था उसको भी यहाँ से झारखंड ले जाने की प्रक्रिया चालू कर दी, यानी कि हरियाणा का और भी बद से बदतर हालात अभी होने जा रहे हैं। मैं बात करता हूँ पंजाब के भगवंत मान सरकार की, जिन्होंने एक वादा किया था पंजाब के अंदर कि आपको 24 घंटे बिजली देंगे और किसान को
12 घंटे बिजली देंगे, और जो 12 घंटे बिजली है वो किसान को निर्बाध रूप से बगैर किसी कट के मिल रही है। कुछ एरियाज में तो बठिंडा वगैरह जो है वहाँ 22 घंटे तक किसानों को फ्री बिजली मिल रही है। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ ये लोग हैं। पंजाब की बात करूँ, आपको रोकना चाहूँगा कि पंजाब के किसानों को बिजली मिल रही है, आपकी बात मान के, लेकिन वहाँ जो बिजली कर्मचारी हैं उनको तो तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पे, तीन तीन महीने छः छः महीने। आपको किसी ने कह दिया? अभी मैं आपके पूरे पंजाब के अगर कहो तो मैं आपको सारा डाटा निकलवा के दे देता हूँ। अभी टोटल की टोटल जितने भी विभाग थे जिनको तीन तीन महीने सैलरी नहीं थी, कुछ दिक्कतें आई हुई थी, वो सब उनको डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और जैसे आपने दिल्ली की बात की, फ्री में बिजली दी जा रही है, हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम किसी को फ्री की आदत नहीं डालना चाहते, जब वो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका खर्च भी उन्हें देना चाहिए, सरकार को भी ताकि घाटा ना हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को घाटा नहीं होना चाहिए, हम कोई कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे हैं, हम तो टैक्स देते हैं ना। अगर आपको फ्री में मिलकर आपका बजट प्रॉफिट का हो तो आपको क्या दिक्कत है लेने में? वो कह रहे हैं ना, वो कहते रहे हम तो देंगे, जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है देने के लिए हम तो उसको देंगे। मौजूदा सरकार तो ये भी कह रही है कि पहले जो है हमारी सरकार से 10 साल पहले जो है बिजली विभाग जो है हरियाणा का लगातार घाटे में था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अब मुनाफे में भी हो गया और बिजली का जो समय है वो भी बढ़ गया। बिजली का समय भी बढ़ गया, घाटा घाटे से उभार भी दिया, लेकिन मार तो आपने जनता दी। हम तो आज जो पीसी कर रहे हैं वो जनता को सुविधाएं देने के लिए पीसी कर रहे हैं। आज आपके बीच में जो है किस आधार पे आपका बिजली का बिल आज से 8 साल पहले 7 साल पहले 4 साल पहले कितना बिल आता था और आज कितना आता, आप आकलन कर लीजिए उसका। ऐसे ऐसे मीटर हैं जो दिन रात चल रहे हैं, आप मैं कितने चार्जेज हैं इसके ऊपर आप देखिए, इतना बड़ा बिल है उसके ऊपर पूरा बिल चार्जेज से भरा हुआ है। आपकी यूनिट अगर 600 आती है तो चार्जेज 600 से 3 गुना ऊपर होते हैं इसके। हम तो उसके लिए कर रहे हैं, जो लूट मचाई इन लोगों ने कर रखी है, जो गुंडागर्दी इन लोगों ने फैला रखी है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी पीसी कर रही है। सर, जेपी दलाल का कहना है कि बिजली से भी बड़ा मुद्दा जो है वो एसवाईएल का है, इस पर स्टैंड तो सरकार लेगी, सेंटर की सरकार बैठी, बीजेपी की सरकार यहाँ बैठी, लो स्टैंड कौन मना कर रहा है? लो आप पार्टी क्या करेंगे? हमारे केजरीवाल साहब ने कहा था कि आप मुझे दिल्ली का शासन दे दो, पंजाब या हरियाणा का शासन दे दो, 3 दिन के अंदर मैं इसका सोल्यूशन कर दूंगा। इनकी अगर नीयत ठीक हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, अगर इनकी नीयत ठीक हो कल ही भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन सरकार इस मुद्दे को लटकाना चाहती है, सेंटर इसको लटकाना चाहता है, कोई भी सरकार आए नियत तो इसमें पंजाब की है, पंजाब पानी देना चाहे तो दे देगा, नहीं पंजाब ऐसे क्या कैसे दे देगा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए, सुप्रीम कोर्ट को आदेश को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार बैठ के बात करें। बैठ के कितनी बार तो बातचीत होती नहीं, वो जब तक सुप्रीम जब तक हमारा केंद्र सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। वो तो बढ़ने जा रही है, बिल्कुल हमारा तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। मैं तो आपसे आज जो बात करने के लिए, किसान हमारा यहाँ पर कनेक्शन मांगता है, उसको 3-3 साल की वेटिंग है, उसके बाद कनेक्शन भी अगर आपको दिया जाता है भारी भरकम भ्रष्टाचारी है उसके अंदर, भ्रष्टाचारी के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता। हम तो सिर्फ आज भ्रष्टाचार के ऊपर पीसी करने के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल साहब जो 9 तारीख को आ रहे हैं वो ये बिजली की गारंटी को लेकर आपके बीच में आएंगे, मैं तो आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा आप लोग। मौजूदा सरकार तो ये कह रही है कि हमने बिजली के कनेक्शन तो दिए ही हैं किसानों को, साथ साथ सोलर का भी कनेक्शन जो है बहुत कम दामों में उपलब्ध करवाया है किसानों का, खास ख्याल रखा जाए। मैंने 3 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद 3 साल के बाद मैंने सिक्योरिटी भी जमा कर दी, मेरी सिक्योरिटी भी वापस आ गई, मैं खुद किसान हूँ और मैं आज भी कहता हूँ आप मुझे अप्लाई करके दिखा दो, उस पर खोलिए आप पोर्टल बंद है इनका, सोलर वाला भी हाँ बिल्कुल बंद है, अब मेरा मुझे दिलवा दो आप, मैं लेना चाहता हूँ। आपके पास संसाधन ही नहीं, आप बातें करते हो और झूठ की राजनीति करते हो। हम तो आपको ये कहते हैं कि आपको हम कनेक्शन भी देंगे और फ्री भी देंगे, बाकी बात आपको जिला अध्यक्ष साहब हमारे गगनदीप सिंह हैं ये बताएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।